आप देख रहे हैं टीवी सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची एयर इंडिया की 5वीं फ्लाइट, अब तक 1100 से ज्यादा छात्रों की हुई वापसी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, राष्ट्रपति पुतिन को पीएम मोदी समझाए कि खतरनाक है परमाणु हमला, होगी भयंकर तबाही। मणिपुर के पहले चरण में 38 सीटों पर वोटिंग, सीएम बीरेन सिंह ने वोट कर किया जीत का दावा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 80% जिले में मनरेगा लोकायुक्त नियुक्त नहीं किए तो नहीं मिलेगा फंड। बीजेपी ने राज्यपाल धनखड़ से की मुलाकात, 107 नगर पालिकाओं में फिर से वोटिंग की मांग। प्रधानमंत्री ने काशी में कार्यकर्ताओं को बूथ जीत का दिया मंत्र, बाबा दरबार में लगाई हाजिरी। गोरखपुर में अखिलेश यादव बोले, नेपाल से आने वाली नदियों पर विद्युत संयंत्र लगाकर पैदा होगी बिजली। सपा कांग्रेस पर बरसी स्मृति ईरानी, बोली ये कैसा गठबंधन, सवाल अखिलेश से जवाब दे रही है प्रियंका। छठे चरण के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत, पूर्वांचल में दिग्गजों का जमावड़ा। यूक्रेन में फंसे यूपी के 1173 नागरिक, अब तक 66 की हो चुकी है सुरक्षित वापसी। श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, घरेलू धरती पर T20 में कमाल करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। भारत ने आखिरी मैच जीतकर श्रीलंका का 3-0 से किया क्लीन स्वीप, खिताब किया अपने नाम। रोहित शर्मा ने MS धोनी का तोड़ा रिकॉर्ड, श्रीलंका को तीसरे T20 में हराने के बाद किया बड़ा कमाल। PSL को मिला नया चैंपियन, 41 साल के प्रोफेसर ने लाहौर कलंदर्स को दिलाई जीत। भारतीय महिला टीम को स्पेन ने 4-3 से हराया, मैच समाप्ति से 35 सेकंड पहले का गोल पड़ा भारी। नई सैटेलाइट इमेज में कीव पर हमले की तैयारी करता दिखा रूस, जेलेंस्की ने कहा अगले 24 घंटे बेहद कठिन। यूक्रेन के विदेश मंत्री का दावा, यूक्रेन में बने दुनिया के सबसे बड़े विमान को रूसी सैनिकों ने किया नष्ट। यूक्रेन संकट के बीच रूस और अमेरिकी ने किया परमाणु बलों को अलर्ट, नाटो और यूरोपीय यूनियन बोले परमाणु बमों से धमक रहा है रूस। रूस यूक्रेन जंग पर UNGA में आयोजित होगा आपातकालीन विशेष सत्र, UNSC में वोटिंग से बाहर रहा भारत। यूक्रेन को युद्ध के लिए हथियार और पैसे देंगे G7 देश, यूक्रेनियन विदेश मंत्री का दावा। फिल्म आदि पुरुष की रिलीज डेट पर भूषण कुमार का खुलासा, अब नहीं होगा दो मूवीज में टकराव। ट्रोलर्स के निशाने पर नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा, बोले विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। प्रियंका चोपड़ा की मां नानी बनकर है बेहद खुश, बच्चे के नाम को लेकर किया बड़ा खुलासा।
नेशनल टीवी पर अपना जीवन साथी ढूंढेंगे मीका सिंह, जल्द शुरू होगा सिंगर का स्वयंवर। लॉन्च के मौके पर ही कंगना रनौत से भिड़ गए कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, बोले मेरे को धमकियां मत दीजिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।